नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। जिंदगी एक खूबसूरत सफर की तरह ही आज से कहानियों के सफर की शुरुआत कर रहा हूं। और इस सफर में सबसे पहली कहानी रेडियो की ही एक बहुत अच्छी लिसनर, एक बहुत अच्छी लेखिका, एक बहुत अच्छी इंसान अंजलि खेर जी की लिखी हुई कहानी से शुरुआत करते हैं। बताइएगा आपको कैसी लगती है। तो शुरू करते हैं कहानियों का सफर। कहानी का शीर्षक है तुम मेरे आसपास हो, दिल के पास हो। मैं अपने कमरे में यहां वहां चहलकदमी कर रहा था। खुली खिड़की से आती ठंडी ठंडी हवा से पास ही टेबल पर रखी मेरी डायरी के पन्ने फड़फड़ाने लगे। कुर्सी खींचकर मैं टेबल के पास ही बैठ गया कि अचानक बिजली कड़की और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। मिट्टी की भीनी सी खुशबू ने मेरी चाय पीने की तलब को बढ़ा दिया। बहू ने ट्रे में पहले से ही थर्मस में गर्मा गर्म अदरक वाली चाय, नमकीन और बिस्किट रख दिए थे और बेटी ने बाहर ना आने की हिदायत भी दे दी थी। हर साल की तरह शादी की सालगिरह मनाने के लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया होगा उन लोगों ने। मैं थर्मस से चाय को कप में पलट रहा था और खिड़की से पहली बारिश के नज़ारे का आनंद ले रहा था। हल्की बूंदाबांदी अब धीरे धीरे तेज बारिश में बदलती जा रही थी। खिड़की से आती फुहारें डायरी को न भिगो दें, इसलिए मैंने जल्दी से खिड़की बंद की। पर इतनी कवायद में टेबल पर रखी तुम्हारी फोटो पर कुछ बूंदें पड़ ही गईं। चाय की चुस्कियों के साथ ही फोटो को हाथ में लेकर मैं अपलक तुमको निहारता रहा। सच, पानी में भीगे गुलाब की तरह तुम आज भी उतनी आकर्षक लग रही हो जितनी दशकों पहले लगा करती थी। और दशकों पहले की वो घटना एक चलचित्र की भांति आंखों के सामने गतिमान हो उठी। मेरा सिलेक्शन मार्केटिंग ऑफिशियल के तौर पर हुआ था और 3 महीने का ट्रेनिंग सेशन इंदौर में आयोजित होने वाला था। मेरे बचपन के दोस्त ने फोन करके कहा था, वेदांत मेरी कजिन भी तुम्हारे ही बैच में ट्रेनिंग के लिए इंदौर आने वाली है, थोड़ी चुलबुली है, जरा ध्यान रखना उसका। ट्रेनिंग के पहले सेक्शन में इंट्रोडक्शन हुआ, वहीं मेरा और विधि का परिचय हुआ। पहले दिन 4 सत्रों में विविध विषयों पर हुए लेक्चर्स में तुमने बढ़ चढ़कर भागीदारी करने से लेकर टी ब्रेक में चाय की खराब क्वालिटी को लेकर पुरजोर विरोध करने से भी पीछे नहीं रही थी। मैंने ही समझा बुझाकर तुम्हें चुप कराया। शाम को सारे ट्रेनीज ने मिलकर ट्रेजर आइलैंड मॉल घूमने का प्लान बनाया। हम सभी साथ साथ निकले, घूमते घूमते फूड कोर्ट की ओर बढ़े। सब अपने अपने मनपसंद फ्लेवर की आइसक्रीम्स ले रहे थे। मुझे ध्यान आया कि विधि तो हमारे साथ दिख ही नहीं रही। कोई बोला, अब अगर कहीं भटक गई होगी तो कहाँ ढूंढेंगे, वापस होटल भी टाइम पर पहुंचना है, देर हो गई तो डांट भी खानी पड़ेगी। विधि को ढूंढते ढूंढते मैं बाहर की ओर पहुंचा तो देखा कि वो मजे से चॉकलेट फाउंटेन देखने में व्यस्त थी। उसे तो पता ही नहीं था कि पूरा का पूरा ग्रुप उसे लेकर कितना परेशान हो रहा है। मैं उसके पास पहुंचा और जोर से फटकार लगाते हुए बोला, तुम क्या छोटी बच्ची हो जो हम लोग तुम्हारे पीछे पीछे घूमते रहे? तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझ में आती है कि नहीं? ग्रुप के साथ आई हो तो सबके साथ रहो, जहां मर्जी हो वहां भागती रहती हो। हद हो गई, तुम्हारे पीछे हम लोग भी मॉल नहीं घूम पाए और तुम यहां मजे ले रही हो। ओ वेदांत, आई एम सॉरी, पर देखो तो ये चॉकलेट फाउंटेन कितना प्यारा लग रहा है, देखो ना प्लीज। कहते हुए विधि ने मेरा हाथ पकड़ लिया और आगे की ओर खींच कर ले जाने लगी। मैंने हाथ झटकारते हुए कहा, बहुत हो गया तुम्हारा ये बचपना, बाकी ग्रुप वाले तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हैं, चलो वापस, होटल भी जाना है समय पर हमें। फिर हम सभी ग्रुप वाले वापस होटल की ओर चल पड़े। रास्ते में सभी ने विधि को बहुत झिड़कियां दी, पर मुझे लग नहीं रहा था कि विधि पर किसी की डांट का कोई खास असर पड़ रहा था। अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद हम सभी की सहमति से हमने राजवाड़ा जाने का प्रोग्राम बनाया, पर जाने के पहले सभी ने विधि को साथ में रहने की सख्त हिदायतें दी थी। फिर हम सब राजवाड़ा की ओर पैदल ही चल पड़े, क्योंकि वो हमारे होटल से बहुत पास था। विधि बीच बीच में यहां वहां भागती तो हम में से कोई ना कोई उसे वापस खींच लाता और उसे बार बार डांट पड़ती, पर वो भी अपनी हरकतों से कहां बाज आती। सड़कों के आसपास नाश्ते के स्टॉल से आती भीनी भीनी खुशबू से हम सबके पेट में चूहे कूदने लगे। सभी लोग अपनी अपनी मनपसंद चीजें खरीदने स्टॉल पर ऑर्डर देने लगे। मैंने तो इंदौर की साबूदाने की टिकिया की बहुत तारीफ सुनी थी, सो मैं उसी के स्टॉल पर पहुंचा और विधि को भी साथ ही रहने को कहा। पर उसका मन तो गोलगप्पे खाने का था। वो बोली कि सामने वाले स्टॉल पर गोलगप्पे खाएगी, तब तक साबूदाने की टिक्की लेकर वहीं आ जाना। मैंने हाँ कहा और गर्मा गर्म साबूदाने की टिक्कियों को तलते हुए देख रहा था।
दोना थामकर मैं दुकानदार को पैसे देने जा ही रहा था कि पीछे से भजन मंडली भजन गाते हुए आते दिखाई दी। मैं विधि को आवाज लगाता उसके पहले ही भीड़ भाड़ और शोर शराबे के साथ में धक्का मुक्की में पीछे की ओर चला गया। इतनी बड़ी भजन मंडली की रैली निकलते निकलते करीब करीब 15-20 मिनट लग गए। भीड़ छटने पर जब मैंने देखा कि गोलगप्पे के स्टॉल पर विधि नहीं दिख रही है तो मेरे हाथों से साबूदाने की टिक्की का दोना कब छटक गया पता ही नहीं चला और मैं बौखलाया सा आसपास नजर दौड़ाकर विधि को ढूंढने की कोशिश करने लगा। आसपास खड़े अपने ग्रुप के साथियों को विधि के फिर से खोने की बात कही। हम सभी ने मिलकर एक निर्धारित जगह पर मिलने का निश्चय किया और आसपास विधि को ढूंढने निकल पड़े। मैंने अंदाजा लगाया कि रैली जिस ओर गई होगी शायद विधि भी रैली की धक्का मुक्की में उनके साथ ही आगे निकल गई होगी। मैं हैरान सा उस दिशा में आगे बढ़ता गया। करीब 1 किलोमीटर आगे पहुंचा था कि अचानक ही बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई। मैं तेज कदमों से आगे बढ़ता गया। अंधेरा गहराता जा रहा था। मेरी नजर पास ही एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ी एक लड़की पर पड़ी जिसका चेहरा बिजली की कौन से चमचमा उठता था। बूंदाबांदी से खुद को भीगने से बचाने के लिए दुपट्टा ओढ़े खड़ी थी। थोड़ा पास पहुंचा तो देखा यह तो विधि है। रोती हुई विधि ने जब मुझे पास आते देखा तो दौड़कर मुझे अंक में भर लिया और बोली, मैं बहुत डर गई थी वेदांत, अच्छा हुआ तुम आ गए। गुस्सा तो मुझे इतना आया विधि पर समय की नजाकत को देखते हुए मैं चुप रहा। खुद को विधि के हाथों से छुड़ाते हुए मैंने अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसके एक छोर से विधि के हाथ को गांठ बांधकर दूसरे छोर से खुद के हाथ को गांठ बांधी और विधि को चुपचाप तेज कदमों से चलने को कहा। बारिश की पहली बौछार में हम दोनों वापस राजवाड़े की ओर चल पड़े। मैं लगभग रुमाल से बंधी विधि को खींचते हुए उसे दौड़ा ही रहा था। हम दोनों राजवाड़े में निर्धारित स्थान पर पहुंचे। ग्रुप के बाकी सभी लोग विधि को देखते ही उस पर बरस पड़े। मैंने सभी को शांत किया और वापस होटल की ओर चलने को कहा। विधि हाथ से रुमाल की गांठ छुड़ाने लगी तो बाकी लोगों ने कहा, अरे रुमाल बंधे रहने दो, नहीं तो फिर से यहाँ वहाँ कहीं भाग जाओगी और हमारी आफत कर दोगी। रिमझिम बारिश में हम दोनों रुमाल से बंधे बंधे सभी के साथ जल्दी जल्दी होटल की राह पर चलने लगे। मैंने देखा कि विधि की आंखें आंसुओं से नम थी और वो कनखियों से मुझे ही निहार रही थी जैसे क्षमा याचना कर रही हो। होटल पहुंचने तक हम लगभग सभी भीग ही चुके थे। मेन गेट पर पहुंचते ही मैं जैसे ही रुमाल से विधि के हाथ पर बंधी गांठ खोलने लगा तो विधि बोली, वेदांत मत खोलो ना ये गांठ, क्या हम यूं ही जीवन भर के लिए अटूट बंधन में बंधे नहीं रह सकते? मैं वादा करती हूँ अपनी ऐसी बचकानी हरकतों से तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी, बहुत जिम्मेदारी से अपनी गृहस्थी संभालूंगी। विधि की ओर देखते हुए बिना उसकी बात का जवाब दिए मैंने वो गांठ खोली और अपने कमरे की ओर मुड़ गया। ट्रेनिंग सेशन खत्म होने तक हम सभी आपस में बहुत घुल मिल गए थे। आपस में एड्रेस और फोन नंबर्स का आदान प्रदान हो गया था। फिर मिलने का वादा करके हम सभी अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना होने वाले थे। मैंने नोटिस किया कि विधि की नजरें पूरे समय मुझी को ढूंढा करती। शायद मेरे हृदय में भी उसके लिए प्यार का अंकुर पनपने लगा था। जाने से पहले हम दोनों अकेले में मिले तो विधि ने रोते रोते मेरा हाथ थामा और बोली, वेदांत मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए जरा सी भी जगह नहीं है? मैंने उसका हाथ सहलाया और अपना ध्यान रखने की सख्त हिदायत दी। फिर हम सभी अपने अपने हेडक्वार्टर्स की ओर चल पड़े। हम सभी ने अपने पदस्थापित कार्यालय में कार्यभार संभाला। शुरुआती समय तो अपना काम समझने और नए रूटीन में सामंजस्य बनाने में निकल गया। फिर अचानक एक दिन विधि का फोन आया। उसने बताया कि उसके कजिन की शादी पक्की हो गई है और शादी में मिलने का वादा लेने के साथ ही हमने अपने अपने ऑफिस के हालचाल शेयर किए। मुझे भी उससे बात करके बहुत अच्छा लगा। ऐसा महसूस हुआ कि विधि के स्वभाव में बहुत मैच्योरिटी आ गई है। उसका बेतकल्लुफ बात करने का अंदाज मुझे शुरू से ही भा गया था। मैंने भी दिल खोलकर उससे बातें की। विधि से मिलने की कल्पना ही मुझे नक्षकांत तक रोमांचित कर गई। उसके कजिन और मेरे दोस्त की शादी में हम दोनों का एक दूसरे के प्रति प्यार हमारे परिवार वालों से छिप न सका और बिना विरोध सर्वसम्मति से हम अटूट बंधन में बंध गए। सच विधि, अपने वादे के अनुसार बहुत जिम्मेदारी से
तुमने न केवल मेरे घर आंगन को गुलजार किया बल्कि अपने प्यार और कौशल से बच्चों में संस्कार के बीज बोकर मेरे जीवन को इंद्रधनुषी रंगों से लबरेज ही कर दिया। तुम मुझसे हमेशा कहा करती, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मैं तो तुम्हारे कंधे पर ही जाऊंगी। सच, तुम्हारे बिना मैं भी जीवन की कल्पना नहीं कर सकता था, पर मैं नहीं चाहता था कि मेरे बाद तुम्हारी आंखों में आंसू की एक भी बूंद आए। मैं तो तुम्हारे साथ बिना स्वर्णिम यादों के सहारे जिंदगी के चंद दिन काट ही लूंगा। पापा पापा चलिए ना बाहर ड्राइंग रूम में, बच्चों की आवाज ने मेरी तंद्रा को तोड़ दिया। बेटी और बहू मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले जाने लगी। पूरा कमरा विधि के मनपसंद गुलाबी रंग की सज धज के साथ दुल्हन की तरह सजा था और बेटी दामाद हमेशा की तरह विधि का मनपसंद ब्लैक फॉरेस्ट केक लेकर आए थे। मेरे हृदय की बात शायद मेरी बेटी ने जान ली और माँ की फोटो लेकर आई और केक के पास रखकर बोली, पापा माँ आ गई, अब तो केक काटिए ना। फोटो को देखकर यूं लगा जैसे तुम कहीं दूर नहीं, मेरे आसपास हो, बस हमेशा की तरह मेरे दिल के ही पास हो। मैंने केक काटा और बच्चों को खिलाया तो लगा जैसे फोटो में तुम मुस्कुरा रही हो। सच, घर के जर्रे जर्रे में, हवा के निर्मल स्पर्श में, फिजाओं में फैली खुशबू में बस तुम्हारा ही निर्मल एहसास होता है। मेरे जीवन की बगिया को महकाने वाली मेरी संगिनी विधि, तुम बस यहीं कहीं हो, यहीं कहीं हो, मेरे आसपास हो, मेरे दिल के पास हो। कहानियों के सफर का पड़ाव आ गया दोस्तों, अगले पड़ाव पर एक नई कहानी लेकर आने की उम्मीद रखता हूं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो जरूर बताइएगा, अपने अपनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी इस सफर को बदस्तूर जारी रखूं तो लेखक होने के नाते आप अपनी कहानी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन की डिटेल में दिए गए ईमेल आईडी पर आप अपनी कहानी भेजिएगा। सुनने के लिए और मेरी हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।